सिंगरौली में रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे नाराज मृतक के परिजन उन्हें रोड पर ही चक्का जाम कर दिया और घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। सिंगरौली में अवैध रेत से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टूसा निवासी युवक नीरज दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने मार्ग को जाम कर दिया और युवक की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चक्का जाम के दौरान विभिन्न दलों के नेता, मेयर रानी अग्रवाल, आम आदमी पार्टी नेता संदीप शाह, भाजपा नेता संदीप चौबे, कांग्रेस के युवा मोर्चा अध्यक्ष सूर्य द्विवेदी उपस्थित रहे। वहीं नीरज दुबे के परिजनों की मांगों को आंशिक रूप से मान लिए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों ने पुलिस की उपस्थिति में नीरज का दाह संस्कार किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।